ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तर बिहार का या गंगा का, गंगा घाटी का जो भी क्षेत्र है, कभी समुद्र हुआ करता था और ये पहाड़ों से आने वाली मिट्टी से बन करके, पट करके एक समतल भूमि का निर्माण हुआ। तो एक तो स्लोप जमीन का और दूसरे उसके साथ हमेशा आने वाली सिल्ट। हमेशा आने वाली सिल्ट के साथ ये है कि वो बहुत ही उर्वरक होती है और पानी उसके साथ खेती की ज़मीन की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो उस लिहाज से इस इलाके में ये पूरा इलाका खेती के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और शायद उसीलिए हमारे पूर्वज यहाँ आकर के बसे। विनिमय के लिए उनके पास था कि 15 दिन की, 20 दिन की या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने की बाढ़ की समस्या थी। तो अगर एक महीने की समस्या है या तकलीफ़ है और उसके बाद 11 महीने आराम है, तो उन्होंने ज़रूर हिसाब किताब लगाया होगा कि एक महीने की तकलीफ़ हम लोग उठा लेते हैं, ठीक बात है, लेकिन पूरे बाकी साल हम लोग आराम से रहेंगे। तो उस लिहाज से वो आए और उन्होंने नदियों के साथ में या जो भी यहाँ के प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे उनके साथ एक बराबरी का रिश्ता पैदा किया। नदी है, अगर गांव के पास से गुज़रती है तो ज़मीन तो समतल है, अगर उसका पानी थोड़ा भी बाहर निकलता है बरसात के मौसम में तो एक बड़े विस्तीर्ण इलाके पर फैलता है। तो विस्तीर्ण इलाके पर जब वो पानी फैलता है तब उसको तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, इसमें तो ज़रूर कोई दो राय नहीं है कि लोगों को कठिनाइयाँ महसूस होती होंगी, लेकिन उस पानी से खेती की ज़रूरतें वो सारी कुछ पैदा होती थी और आमतौर पर उसकी रुकावटें उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन बाद में ख़ासकर हमारी आज़ादी के बाद से लोगों को लगा, यानी नेताओं को और इंजीनियरों को और ठेकेदारों का ये जो तिगड्डा था, इन लोगों ने शायद ये सोचा कि हम ये जो 15-20 दिन या एक महीने की तकलीफ़ भी होती, कठिनाई भी लोग महसूस करते हैं, उसको भी ख़त्म कर देंगे। इस तरह के वायदे किए लोगों ने और लोग उस चाल में फंस गए और तब शुरू होता है तटबंध बनाने का खेल पहला। अब तटबंध अगर आप बनाते हैं तो कई विकृतियां पैदा होती हैं। एक तो नदी का जो पानी पूरे इलाके पर फैलता था वो एक सीमित दायरे में फैलेगा और पानी नहीं फैलेगा, उसके साथ साथ जो सिल्ट आती थी पहले, गाद आती थी जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, वो भी ख़त्म हो जाती, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो तटबंध बनाने से तो इतना नुकसान तो ज़रूर हुआ कि पानी नहीं मिला और गाद का मिलना बंद हो गया। तब उसके लिए सिंचाई चाहिए। पहले जो था सो कंट्री साइड मैंने रिवर साइड डाउन था, जब से बांध बना अब कंट्री साइड डाउन हो गया, इसलिए कि रिवर साइड में तो उसका मैंने सिल्ट आता गया, नदियां ऊपर उठती गई, उसका बेनिफिट जो किसानों को मिलना चाहिए नहीं मिला, उसके सब इंस्टीट्यूट में लोगों ने सरकार कहा कि आप खाद दो, यह करो वह करो, अब वो खेत जो है सो उसमें तो ताजगी कोई रही नहीं। ऐसे भी जिस बार हम लोगों को बांध टूट करके हम लोगों के गांव घर में पानी फैल जाता है, किसान बहुत सुभेष्ट होता है, 2-3 साल तक उसकी अच्छी फसल लगती है जो सिल्ट के माध्यम से आता है। पहले भी बाढ़ आती थी 52-55, हम लोगों ने 52-50-52 की का भी बाढ़ देखा है। वो 50-52 के बाढ़ में को देखते थे कि गांव में कहीं पानी चढ़ता भी नहीं था, अगर जहां लोड था माने हाई लैंड था वहां शायद चढ़ता भी नहीं था, थोड़ा सा चढ़ता था 1-1.5 फीट 6 इंची, नीचे के ज़मीन में 3 फीट 4 फीट, लेकिन 4 फीट से पानी कहीं ज़्यादा नहीं होता। अब क्या संजोग है कि अब तो बंधा हुआ पानी आता है, अब वो बंधा हुआ पानी 7 फीट 8 फीट
इस तरह से उसका रेशियो रहता है। ज़्यादा बैग में सिल्ट को रख नहीं पाता है, दूर में जाकर के सिल्ट भेजता है, जहाँ कात करोड़ किनारा है उस साइड में सिल्ट जाएगा, लेकिन मेन फेस जो करेगा वो ज़्यादा बालू आएगा, बालू लोगों के खेत को और बर्बाद कर देता है। लोग पल मने देखो ट्रेडिशन बना लिए कि सरकार कुछ देगा, अपनी मजदूरी अपना काम छोड़ करके लोग दूसरे चूड़ा दूसरे मने एक आध किलो गुड़ थोड़ा मोमबत्ती थोड़ा सलाई के लिए दिन दिन भर ब्लॉक का चक्कर बांध का चक्कर ऐसे लोग काटते रहते। वो लोग खेत बटाई दे रहे हैं, वो लोग खेत बेच रहे हैं। ये स्थिति किसानों की है। वो बांध जो है पहले वाला वो हम लोगों को यह रिवार्ड दे करके गया कि हम लोग भिखमंगा के कगार पर पहुँचे और वो हम लोगों को बहुत पीछे धकेलता गया, हम लोग पीछे पड़ते गए, बांध से हम लोगों को यही मिला। इतनी योजनाएं हम लोगों ने ज़रूर बनाई और एक समय था जबकि हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर ये कहा था कि 1954 में जब पहली बाढ़ नीति बनी थी कि हम 7 साल के अंदर यहाँ की बाढ़ की समस्या को करीब करीब समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है कि 7 साल के बाद उनको यहाँ की सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ज़मीन पर पानी जाना बंद हो जाएगा। वो सिंचाई की व्यवस्था हुई नहीं और जो भी कथित उद्देश्य से जो योजनाएं बनी उन्होंने अपना लक्ष्य कभी पूरा नहीं किया। तो बाढ़ तो नहीं रुकी क्योंकि बाहर जल जमाव हो गया तटबंधों के और उन्होंने पानी का रास्ता रोका, नए नए इलाकों में बाढ़ें आई और फिर तटबंधों का टूटना शुरू हुआ और तटबंध टूटता है तो फिर नदी अनियंत्रित भाव से पूरे इलाके पर फैलती है। तो हुआ कुल मिलाकर कि ये है कि पहले जो बाढ़ बहुत धीरे से आती थी हमारे यहाँ पूरे इलाके में पानी की तरह से फैल करके, अब वो तटबंध तो हमने बना दिए 15 फुट ऊँचे 18 फुट ऊँचे, तो उसके हिसाब से करीब 13 फुट का पानी का कॉलम और लोगों की तरफ बढ़ता है और उसके सामने जो पड़ेगा उसको वो ध्वंस कर देंगे, वो पानी के सामने कोई गांव या जो भी चीज़ पड़ेगी वो टिक नहीं सकती। पानी तो कितने दफा चला ही, 63 साल भी इस घर में पानी था तो जितना इसमें पानी आया था इस घर में उसे थोड़ा ज्यादा इसका लेवल इस बार ऊंचा करके घर बनाया। कोई ठिकाना नहीं है कितने बार नीचा से ऊपर इसको उसका कोई हिसाब नहीं। जैसे पानी आ जाएगा तो जानवर को बाहर निकालना होगा, उसका उसके लिए चारा का भी व्यवस्था दिक्कत हो जाता है, खरीद के खिलाना पड़ता है भूसी, अपना भूसी अगर घर में रहा तो निकाल के बाहर में कहीं खिलाते हैं या जब तक ले दरवाजा नहीं टूटता है तब तक खिलाते हैं, वही भूसी खिलाते हैं सुबह। तू तो बांध के भीतर में रख दिया कि अब पुष्ट दर पुष्ट झेलते रहो रेगते रहो पानी में। तो एक तो पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, उसके बाद ज़मीन का मोटे बालू से आक्रांत होना, तो उसने यहाँ की समस्या को और बढ़ाया। और जब से योजनाएं कारगर होना शुरू हुई उस तरह उसी समय से करीब करीब लोगों की रोजी रोटी छिनना शुरू हुआ। तो वो रोजी रोटी छिनना शुरू हुआ तो लोगों का माइग्रेशन शुरू होता है, बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है उनको, अगर नहीं जाएं तो घर में 2 शाम चूल्हे ना जलें। ये बाहर जाना 15 साल से हो गया है, 15-20 साल से बाहर लोगों का आना जाना हो गया है। बगैर बाहर गए लोगों का यहाँ कल्याण है, जिसको जहाँ समझ में आया जहाँ सुविधा मिला जहाँ जिसको रोजगार मिल जाता है लोग चले जाते हैं। एक करघड़ा पुनर्वास पहले कोसी तटबंध के बीच में था, ये 4 गांव का समूह है, चानन लपकुलिया सिसवा और डेंगराही, चारों नदी नदम नदी के बीच में था, चारों नदी को नदी घेरे हुए था, सदियों से वो कभी गांव कटता उठता नहीं था, ऐसे चल रहा था। तो गांव चल रहा था तो गांव जब बिल्कुल जब बांध बनी उसके बाद गांव कट गया, हम लोग पुनर्वास आए
पुनर्वास में आने के बाद हम लोग बहुत दिन तक अपना किसी तरह से खेती पट्टी तो चौपट हो ही गया था, अभी भी चौपट है। और बाकी चीज़ सरकार की भरोसा है, जिस तरह से पर्रुक का मुंह बंद है ना पारी का, उस तरह से हम लोगों का भी बिल्कुल बंद है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, किसकी नदी बोलें, क्या बोलें, किसकी नदी, कुछ कोई सुनने वाला है? पुनर्वास जो ये बेकार साबित हुआ है, क्योंकि पुनर्वास की जमीन खाली है और सरकार उसकी बंदोबस्ती करती है, और जो जमीन जो जिन्होंने जिनका जमीन सरकार ने लिया उनको कुछ भी नहीं मिला लाभ, और वो उल्टे जो पुनर्वासित एक दो घर आकर के बस गए उनसे मुआवजा लिया जा रहा है। लेकिन मेरे गांव का लोग जो है ना अपने अपने जमीन में बांध से पूरा बस गया, पुनर्वास को छोड़ दिया। उनको नजदीक होगा अपने अपने जमीन में बस जाते हैं तो नजदीक होगा खेती पथारी करने में, इसलिए पुनर्वास छोड़ दिया। ऐसा लोग समझ नहीं पाया कि इतना तकलीफ होगा, बाद में मुसीबत हो जाएगा, इसलिए लोग नहीं निकल पाए। अब हम लोग यहाँ कोसी के किनारे बैठे हुए हैं, कमलपुर गाँव है, से करीब 10-11 किलोमीटर नेपाल की सीमा से 10-11 किलोमीटर नीचे होगा। यहाँ तो नहीं ठीक इस जगह, क्योंकि ज़मीन का थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, लेकिन निचले इलाकों में जल जमाव की बहुत ही विकट समस्या देखने में आती। पूर्वी तटबंध के पूरब में करीब 182,000 हेक्टेयर ज़मीन वो जल जमाव में फंसी हुई है। यहाँ की बात अगर करेंगे तो यहाँ करीब करीब 90,000 हेक्टेयर ज़मीन तो वैसे जल जमाव में है तटबंधों के किनारे, और 24,000 हेक्टेयर ज़मीन जो 145 कंटूर लाइन है उसके नीचे है, तो कुल मिलाकर के 113,000 हेक्टेयर ज़मीन इधर भी है। तटबंधों के बीच में जो ज़मीन फंसी उसका रकबा करीब करीब 110,000 हेक्टेयर होगा, जिसमें कि 380 गांव हैं हमारे भारतवर्ष के, और नेपाल के 34 गांव हैं, 12 गांव उनके नीचे हैं और 22 उनके तटबंध के बराज के ऊपर हैं। तो कुल मिलाकर के 414 गांव, जो कि घनी आबादी का इलाका था, उसके लोग तटबंध के बीच में फंसे, और उनकी आबादी करीब करीब मैं समझता हूं कि आज की तारीख में 15 लाख से कम नहीं होगी किसी भी हालत में। उनके ऊपर से ये पानी हर साल गुजरता है, और सिर्फ पानी गुजरता ही नहीं है, अब वो कहां बालू डालेगा, कहां पानी डालेगा, कहां ज़मीन को काट देगा, ये बात किसी को नहीं मालूम है। तो हालत ये होती है कि तटबंध के अंदर जो लोग रहते हैं उनको आमतौर पर लगता है कि बरसात में अगर कभी जाते हैं तो जब लौट करके आएंगे तो उनका गांव अपनी जगह मिलेगा या नहीं, उसकी उनको अनिश्चितता रहती है, उनका घर उनकी जगह मिलेगा या नहीं उसकी अनिश्चितता रहती है, आवागमन की असुविधा है, बच्चों की शिक्षा की असुविधा है, मनोरंजन की असुविधा है, पोस्ट ऑफिस और बैंक की असुविधा है, बहुत तरह की मतलब जितनी चीज़ें सोची जा सकती हैं वो सारी असुविधाएँ हैं, और आने जाने की असुविधा उन सबके ऊपर है। अगर वो अपने ब्लॉक आना चाहें या अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आना चाहें, बहुत तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं उन लोगों को। मेरा नाम नीलम है और मैं भी कोसी तटबंध के अंदर रहने वाली, मधुबनी जिला के अंतर्गत एक मिनाही गांव है, मैं उसी की रहने वाली। यहां पर अभी महिलाएं की ऐसी स्थिति है, बच्चे की ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चे डूब जाते हैं। उसके बाद महिलाएँ तो अभी लेटरिन का इतना जो है शौचालय का व्यवस्था है, जो महिलाएं कई दिन जो है शौचालय के कारण जो है रात का खाना छोड़ देती है, उसका कोई भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है।
बाहर के लोग, इधर के लोग कोई बेटी अपना देना नहीं चाहते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग प्लान करते हैं रोजगार के लिए। बहुत सारे अपराधी यहाँ पर शरण लेते हैं बांध के अंदर। यहाँ लूट खसोट काफ़ी होता है। महिलाएं हमारे यहाँ भी असुरक्षित है, किशोरी भी असुरक्षित है, उसके साथ मेरे बलात्कार होता है। अभी जो अभी देखें आप लोग, जो अभी जो घास के लिए निकली है वो शाम दोपहर रात में आएगी, उसके साथ क्या बीतेगा इसकी कोई परवाह नहीं है। हम यहाँ तक का बात जो है हेडक्वार्टर नहीं जा पाती है, उधर से उधरे रह जाता है। आंगनबाड़ी में 40 बच्चे और पिपराहारी गांव से पश्चिम और पूर्व टोला से बच्चे आते हैं। बाढ़ के समय जो है बच्चा इधर नहीं आ सकते हैं, पश्चिम तो पानी भरा रहता है, और हम केंद्र को उठा के लेके चले जाते हैं पूर्व बांध के नीचा, तो वहीं बच्चा सब पढ़ते हैं, और इधर का बच्चा जो है उधर नहीं जा सकते हैं और वहीं चलाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। बच्चों की पढ़ाई में क्षति होती है। ये नदी भूतही बलान है, ये भूत की तरह से आती है और उसी की तरह से गायब हो जाती है। आपके घर में घुस जाएगी नदी बरसात के मौसम में, और इसके पहले कि आप अपनी हिफाजत करें, सामान समेटें, यह गायब हो जाती है। तो शायद इसीलिए इसका नाम भूतही बलान रखा गया होगा। कोसी पर जब बांध बन रहा था तो यहाँ की जो लाइन थी घोघरडीहा निर्मली वाली, इसको ऊंचा करने का एक प्रस्ताव आया था, और वो रेलवे लाइन ऊपर ऊंचा कर दी गई थी। उसके बाद से इस नदी के प्रवाह पर और इसके सेडिमेंट पर, इसके साथ जो गाद आती थी पानी पर, उसका प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। एक और दूसरा ये, क्योंकि वो एक मौसम चल रहा था नदियों को बांधने का, तो भूतही बलान पर भी लोगों को लगा कि तटबंध बनाया जाए, और पश्चिम के जो गांव थे भूतही के पश्चिमी किनारे के, उन लोगों ने डिमांड रखी कि इसको बांध दिया जाए। वो बांध उस वक्त बनना शुरू हुआ और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि जो रेलवे का ब्रिज दिखाई पड़ता है यहाँ नीचे की ओर, रेलवे वाले नहीं चाहते हैं कि इस बांध को उससे जोड़ दिया जाए। वो चाहते हैं क्योंकि अगर ये बांध बन गया पूरा का पूरा तो उनके इस पुल पर असर पड़ेगा और उनके आवागमन पर असर पड़ेगा, जो रेलवे लाइन है उस पर असर पड़ेगा। पश्चिम वाला बांध जब बन गया तो वो पानी पूरब की तरफ 54 गांवों में फैला, और 54 गांवों में जब फैला तो उन लोगों ने, उनको परेशानियाँ हुई, उन लोगों ने कहा कि इसको हमारी तरफ भी बांधिए। कुछ दूर तक बांधा भी गया। ये काम 70 और 80 के दशक तक चला, लेकिन रेलवे को हमेशा एतराज़ बनता रहा कि बांध, रेलवे बांध के नज़दीक ना आए, क्योंकि जब तक पानी फैलेगा नहीं तब तक उनका बांध असुरक्षित रह जाएगा। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। पूरब वालों की डिमांड रहती है कि इसको पूरा कर दिया जाए। पश्चिम वाले उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर पानी पूरब वाला बन गया तो ज़मीन का कुछ स्लोप ऐसा है कि पश्चिम वाले बांध पर उसका दबाव पड़ेगा और उधर तबाहियाँ होंगी। उसको लेकर के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ के लोगों में मतभेद है, पूरा पूरा मतभेद है, और कई मौके ऐसे आए जबकि लोग हथियारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, एक बनाने के लिए और दूसरा रोकने के लिए। और रेलवे की उसमें भूमिका थी, वो अपनी जगह पर थी। सरकार क्या करेगी उसके बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि रेलवे यानी दो सरकारों के बीच की बात है, एक बिहार का जल संसाधन विभाग और दूसरा केंद्र का रेलवे। तो ये दो लोग क्या फैसला करते हैं, लेकिन आम तौर पर जहाँ तक हमारी जानकारी है, लोगों को ये बातें पता नहीं है कि रेलवे, अगर लोग चाहेंगे भी तो रेलवे वो बांध बनने नहीं देगा और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें कि तटबंधों ने लोगों को आपस में लड़ाने की बड़ी एक भूमिका अदा की है। अगस्त 2008 ये हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जाना चाहिए, इसलिए कि वो रात की घड़ी 6:15 के आसपास, मतलब पानी का जो रफ्तार था कोसी टूटने, नदी से टूटने के बाद,
कोसी कॉलोनी में सांप की तरह बढ़ता चला आ रहा था पानी। कुछ ही समय में मतलब दो ढाई तीन घंटे में ही जलमग्न हो गई थी। उस समय तो तत्काल कोई खर्च कोई सरकार तुरंत कोई सूचना भी नहीं दिए थे पहले पूर्व कि बाढ़ वीरपुर छोड़ दीजिए या परिक्षेत्र छोड़ दीजिए बांध टूटने के बाद टूटने से पहले, जबकि ये सूचना बहुत पहले चल रहा था। और कहीं भी वीरपुर में 3.5 फीट से नीचे पानी नहीं था, ऊपर का ही पानी था, छाती से ऊपर ही पानी जलमग्न। तब बड़ी बड़ी नाव चलते थे तो सोच लीजिए कि वो स्थिति कैसी होगी। ऐसे पशु हेल रहे थे नदी पानी में, सिर्फ पशुओं की जो 40,000 की भैंस या गाय ऐसे लोग दे देता था भाई तुम अपना ले के निकल सकते हो तो ले के निकल जाओ। 2-2.5 महीने हम लोग बाढ़ से त्राही आम रहे। वीरपुर में डॉक्टर तक का उपचार नहीं था, तो बाद मात्र सरकार के नाम पे 2250 एक कुंटल अनाज, वो भी सही ढंग से सही लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी भूमि उपजाऊ थे उस टोटल बालुओं से भर गया है। वो भी इतनी ज़्यादा बालू हैं कि कहीं कहीं तो 12 फीट ऊंची बालू है, टेली है, जो इस बालू पे क्या बोया जा सके जो होगा इस पे सोच के चिंतन करते हैं अभी भी किसान। अब बालू हटाने के क्रम में के लिए जो सरकार 200-250 रुपये एकड़ का पैसा दिए हैं वो तो सोचते हम कहते हैं कि 2 लेबर के बराबर पैसा नहीं दिया जो कि एक कोना से हट जाए बालू। लेकिन बाढ़ की बांध की जो व्यवस्था है उसके लिए सरकार को हम दिशा क्या कहे, सरकार उस पर सोचते नहीं है। बिजली उत्पादन का केंद्र जो आज तक सक्सेस नहीं हुआ, जितनी मेगावाट इनको चाहिए उस कटैया पावर हाउस से उतना तो आज तक नहीं मिला उनको। इतनी लागत से वहाँ का काम होता है लेकिन क्या मेगावाट बिजली उत्पादन होती है वो आप भी देखते हैं और हम लोग भी समझते हैं। वीरपुर में तो लाइन रहती नहीं है, वीरपुर वालों के लिए बाहर का लाइन का व्यवस्था करते हैं, लेकिन बिहार वालों के लिए सोख नदी का झेलना इस परिक्षेत्र के बिहार के लोगों को पड़ता है। यह नेपाल के लगभग 40 मोजे को विस्थापित किया है कोसी तटबंध के भीतर की जो मोजे को, और लगभग उस टाइम में 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। सरकार की तरफ से जो उस टाइम में पुनर्वास की बात कही थी तो कुछ लोगों को पुनर्वास मिला, बाकी लोगों को पुनर्वास मिला ही नहीं। जिसको भी पुनर्वास मिला उसको सही जगह नहीं मिला, कुछ को अच्छी जगह मिला बाकी को अधिक जगह भी नहीं मिला। मुआवजा की जहाँ तक बात थी, मुआवजा सबों के पास मिला नहीं। मुआवजा जिस नदी बही उस जमीन को एक्वायर किया, बाकी जमीन को वैसे छोड़ दिया गया। उसके लिए अभी सरकार ने एक समिति भी गठन की है, जिस समिति के तहत नदी में जो तटबंध के भीतर जितनी भी जमीन पड़ी थी उस जमीन को फिर एक मूल्यांकन करने के लिए एक जो उसको जिम्मा दिया गया है, फिर उस कितनी जमीन मिला मुआवजा, कितनों को नहीं मिला और क्या होनी चाहिए, इसका एक नया फिर से आयाम शुरू होता है नेपाल के तरफ से। और कोसी का जो एक समस्या है, एक बहुत बड़ा नेपाल के तरफ से चुनौती भी है, और यह समस्या सिर्फ नेपाल का ही नहीं, दोनों भारत और नेपाल दोनों मिलकर के ही समस्या को समाधान करना पड़ेगा। ये कोसी का तटबंध जो है ये 8 बार टूट चुका। सबसे पहले 63 में जिस साल बराज पूरा हुआ वहाँ शुरू होता है, और यहीं बगल में डलवा नेपाल का गांव है, डलवा में टूटा। फिर उसके बाद 68 में जमालपुर में दरभंगा में टूटा 5 जगह, 71 में भटनिया गया, 80 में बहुअरवा पूर्वी तटबंध गया, 84 में फिर हेमपुर के पास नवट्टा में तटबंध टूटा, 87 में गंडौल और समानी पश्चिमी तटबंध टूटा, 91 में जोगिनिया टूटा, और आखिर में 2008 में कुसहा टूटा। जो हम लोगों का जल संसाधन विभाग है, अगर पुरानी रिपोर्टें पढ़ें और लोगों से बात करें तो जो 63 में यहाँ बांध टूटा था डलवा वाला, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि चूहे ने छेद कर दिया था बांध में, इसलिए वो बांध टूट गया, क्योंकि पानी का प्रेशर था और चूहे ने छेद किया हुआ तो उससे पानी निकल गया और उसने उतना पूरा का पूरा तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये था कि वो गलती जो थी वो जल संसाधन विभाग की नहीं थी, चूहों की थी। एक
उसके बाद से जब चूहा थ्योरी इन लोगों की लोगों के गले नहीं उतरी, तब उन लोगों ने कहा कि ये काम असामाजिक तत्वों का है, एंटी सोशल एलिमेंट्स काटते हैं उसको। अब यहाँ से मान लीजिए सामने तटबंध खड़ा है और यहाँ का पानी निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है तो क्या कोई भी आदमी अपनी जान देगा? जान देने के पहले वो तटबंध को काट देगा। और ये मैं समझता हूँ कि उस हालत में, हर समय की वकालत नहीं करते, लेकिन उस हालत में इतने लोगों की जान की रक्षा करने के लिए तटबंध को काट देना एक महान सामाजिक दायित्व का काम है, क्योंकि अगर वो नहीं काटा जाता है तो इतने लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो उनके असामाजिक तत्वों की परिभाषा में आता और बाकायदे उसको डिफेंड करती है सरकार, जिसकी जिम्मेवारी बनती थी उसने उसको ठीक किया क्या? मैं समझता हूँ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद से वो कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ देता है। नेपाल यानी कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं तो उसके पहले ज़रूरी है कि आप उसको पकड़ें, पकड़ के रखें उस पानी को। जब पकड़ेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ से? यहाँ बगल में बराज है हम लोगों की, कोसी की बराज है, उधर गंडक की बराज है, उन सारे जगहों पर जो लोग भी काम करने वाले हैं, जो कर्मी हैं वहाँ जल संसाधन विभाग के या सिंचाई विभाग जो कुछ भी कह लें, वो सारे लोग बिहार सरकार के हैं। उनको तनख्वाह मिलती है बिहार सरकार से, वो दायित्व है उनका बिहार सरकार के प्रति। तो अगर कोई तोड़ता है या पानी छोड़ता है तो सीधी सीधी बात है कि बिहार सरकार की रजामंदी से छोड़ रहा है, अपनी मर्जी से तो कोई आदमी छोड़ेगा नहीं, बराज के गेट नहीं उठाएगा। बरसात के मौसम में उनका कंट्रोल रूम का काम करता है, हॉटलाइन पर मंत्री और सेक्रेटरी सब लोग उपलब्ध रहते हैं, तो अगर कोई छोड़ता है तो ये बिहार के इंजीनियर छोड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ देता है, और इस तरह से उसका प्रोपेगेंडा होता है, इस तरह से उसका प्रचार होता है कि आम आदमी विश्वास करता है कि नेपाल पानी छोड़ रहा है। तो वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, उससे हम लोगों को बाज आना चाहिए। और इसमें सिर्फ सरकार का या इंजीनियर्स का, इन लोगों का ही दोष नहीं है, इसमें हमारा मीडिया भी उतना ही शामिल है। वो भी तथ्यों को जाने बिना इसका प्रचार करता है। जल संसाधन विभाग अपने तरीके से काम करता जा रहा है, और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो नए नए नामों के साथ रिलीफ बांट रहा है और कहता है कि अब हम फ्लड को कंट्रोल नहीं करते हैं, अब हम उसके साथ मैनेज करते हैं, फ्लड मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि काम तो आप वही कर रहे हैं जो आप फ्लड कंट्रोल के समय करते थे, तो मैनेजमेंट किस बात का हुआ? तो ये सारी चीज़ें एक विवाद का विषय हैं। यहाँ कोसी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, हर साल लोग कहते हैं कि इसका बाढ़ की समस्या का समाधान नेपाल में बराक क्षेत्र बांध है। ये बात 1937 से कही जा रही है, तो 37 का मतलब उधर करीब 67 साल उधर और 12 साल इधर, करीब करीब 80 साल हो गए। हर बार सरकार देती है, बयान देती है कि हम नेपाल से वार्ता करने जा रहे हैं। 80 साल वार्ताएं चलती हैं क्या? जबकि आप कहते हैं कि नेपाल के लाभ के लिए है, आपके लाभ के लिए, सबके लाभ के लिए। अगर सबके लाभ के लिए है तो 80 साल तो वार्ताएं नहीं चलनी चाहिए, लेकिन लोग भ्रम में रखे जाते हैं कि हम वार्ता करने जा रहे हैं और ये बनाएंगे। कब बनेगा पता नहीं, 80 साल तो बीत गया। और ऐसे बांधों के प्रति तो एक पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है, विश्व बांध की आयोग उसका मुखालफत करती है। यहाँ के खुद जो 1955 में एक अध्ययन किया था पूना की लेबोरेटरी ने, उसने कहा था कि ये बांध एक सीस्मिक जोन में है, ये शायद नहीं बनना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि उस वक्त विधानसभा में बयान दिया था अनुग्रह बाबू ने, जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि क्योंकि वो बांध करीब 800 फुट ऊंचा बनेगा तो सरकार नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है, इसलिए वो तटबंधों से समझौता कर रही है, उनको निर्माण कर रही है, बांध का इरादा उसने फिलहाल छोड़ रखा है। अब सवाल इस बात का है कि जो चीज़ 50 साल पहले आज से 50 या 60 साल पहले कही जाती थी कि वो भूकंप वाला क्षेत्र है और अगर उस बांध को कोई नुकसान पहुंचता है तो नीचे के लोगों को क्षति होगी, आज वो बनता है तो क्या वो क्षति नहीं होगी? बिहार का जो बाढ़ वाला क्षेत्र था 1952 में ये 25 लाख हेक्टेयर था, 1994 में जब इसका लास्ट असेसमेंट हुआ था तब वो बढ़ करके 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया, करीब करीब तीन गुना। मुझे लगता है कि बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में हम लोग जो कुछ भी निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात तो साफ दिखाई पड़ती है। तो अगर फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है
तो ये काम क्यों ना बंद कर दिया जाए। एक विकल्प के तौर पर एक व्यापक लोक शिक्षण की ज़रूरत है कि लोग जानें और तब वो अपने नेताओं से, अपने इंजीनियरों से, इन लोगों से सवाल कर सकें। अभी तो भ्रम इतना फैलाया जा सकता है कि लोग उसको विश्वास कर लेते हैं और वो बार बार कहा जाता है, और विश्वास करने लायक चीज़ें नहीं हैं।